लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है, जहां 2019 में उन्हें 63 सीटें मिली थी, तो वहीं इस बार 35 सीटों पर बीजेपी सिमटी हुई नजर आ रही है। क्या रणनीति है, किस वजह से बीजेपी को करारी हार का सामना यूपी में करना पड़ा, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के स्टेट हेड शत्रुघ्न सिंह जी जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, क्या कुछ रणनीति रही बीजेपी की, क्यों इस तरह से परिणाम बीजेपी के लिए निराशाजनक हुए, और वहीं इंडिया गठबंधन और सपा को एक महत्वपूर्ण, जो कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत हासिल हुई है यूपी में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे पुराने प्रत्याशियों को उतार दिया था, जो 10-10 साल सांसद रह चुके थे, तो उनके खिलाफ यहाँ पे एक आक्रोश था जनता में, क्योंकि या तो वो मिल नहीं रहे थे या उनको घमंड आ गया था, जमीन पे वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश था। छोटी जातियां जो निम्न जातियां थी उनमें आक्रोश था, और उस और भी जो आक्रोश की वजह से एक तो ये हो गया कि उन्होंने सारे वही कैंडिडेट उतार दिए, कुछ ही कैंडिडेट थे जिनको चेंज किया गया था, तो एक तो उनके खिलाफ आक्रोश था। दूसरा, एक समाजवादी पार्टी ने एक अभियान चलाया छोटी जातियों के लिए कि आपका संविधान बदल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक लल्लू सिंह जी जो फैजाबाद से लड़े थे, अयोध्या से जो चुनाव लड़े थे, उन्होंने बोला था कि 400 सीट इसलिए चाहिए, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, हमारे TV24 पे भी चला था, कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में संशोधन करना है, संविधान में बदलना है। तो ये उनको मैसेज चला गया कि ये लोग संविधान में संशोधन का मतलब ये हो गया कि आप संविधान में संशोधन करके ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये और भी कुछ नया कर देंगे, ये इस तरीके का उन पर मैसेज चला गया। और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को भी कई बार ये बोलना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग आरक्षण समर्थन तो आरक्षण को तो ये लोग चेंज करेंगे, ये मोहम्मदन को आरक्षण दे देंगे, ये संविधान को संशोधन करेंगे, लेकिन वो बात उनको वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए मोदी जी और अमित शाह जी कि हम लोग संविधान में संशोधन नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं छोटी जातियों में ये मैसेज रहा कि उनको संविधान संशोधन ये कर देंगे अगर इनकी सीट आ गई, एक तो ये विरोध हो गया। दूसरा, एक जो अब देखने में मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई कि उन्होंने यादव जैसे पहले क्या होता था, वो 17 से 18 या 20 सीट तक यादव उनको देते थे, पहली बार ऐसा हुआ, उन्होंने अपने परिवार के केवल 5 यादवों को दिया गया, 5 लोगों को टिकट दी जो यादव जाति से थे, वो सारे उनके परिवार के थे, 4 मुसलमानों को दिया जो केवल 4 मुसलमानों को, तो इससे पहले 17-18 मुसलमानों को टिकट देते थे। तो समाजवादी पार्टी की ये टैक्टिक बड़ी काम आई, उन्होंने अपनी जो कोर वोट है, जिनका उनको वोट मिलता ही है 100%, उनको टिकट ना देके अदर जाति को टिकट दिया, उन्होंने कुशवाहा शाक मौर्य इनको शाक को उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने मौर्य को टिकट दिया, उन्होंने कुशवाहा को दिया। एक तो ये बीजेपी का कोर वोट हुआ करता था, कुशवाहा शाक सैनी ये भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट देता था, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई, उन्होंने उनके प्रत्याशी कई उतारे जिससे वो सारे प्रत्याशी अपना वोट लेके आए, साथ कुशवाहा और सैनी का बीसी का वोट लेके आए, प्लस यादव मुसलमान उनको मिल गया। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है वो अखिलेश यादव की बिल्कुल सफल हुई, उन्होंने ब्राह्मण को भी वोट टिकट दी, ब्राह्मण उनका जीता, बलिया से जो समाजवादी पार्टी ने वहां से सनातन पांडे को टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे को टिकट दिया था। आप ये सोचिए, इतने पॉपुलर सीट है, 8 बार वहां से चंद्रशेखर जी सांसद रहे, उसके बावजूद भी सनातन पांडे ने उनको हरा दिया, उसका यही सोशल इंजीनियरिंग थी। दूसरा, एक जो गर्मी ज्यादा थी, भारतीय जनता पार्टी का वोट वोट करने के लिए निकला नहीं, यादव मुसलमान और जो समाजवादी पार्टी का वोटर था वो उन्होंने अपनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ के वोट किया, एक ही अभीरा। तो दोनों का जो कम्बिनेशन बन गया, एक एंटी इनकम्बेंसी नीचे चल रही थी, लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, जो ऐसा लग रहा था कि जब एग्जिट पोल आए तो हम लोगों का सोचना ये था कि जो नीचे जो लहर चल रही है वो लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो नीचे जो लहर चल रही थी वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में चल रही थी। अब ऐसे सोचिए, नरेंद्र मोदी जी पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार 1.5 लाख वोटों से जीते, 2 लाख वोट नरेंद्र मोदी जी की बनारस में कम हो गया, जबकि बनारस में जितना काम हुआ है मुझे लगता है कि पूरे भारत में कहीं इतना काम नहीं हुआ जितना बनारस में काम हुआ है। सेम यही पोजीशन लखनऊ में रही, लखनऊ में 3,48,000 वोटों से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो वो चुनाव जीते थे, लेकिन हुआ ये कि उनको 2 लाख वोट
उनके हिस्से से भी 2 लाख वोट कम हो गए, उनको भी 1.5 लाख वोट इससे वो चुनाव जीते हैं। तो जो ओवरऑल जो है कि सभी जगह बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से नीचे से सेंध लग चुकी थी, सोशल इंजीनियरिंग दूसरे के पक्ष की हो गई थी, और जिस तरीके से वोटिंग हुई है, वोटर पैटर्न जिस तरीके से निकला है वो बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट निकला है, और उसका उस सब हमजाना जो है ये भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। शत्रुघ्न जी, आज एक तस्वीरें वायरल हो रही है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, जो एक साथ वो दिल्ली के लिए फ्लाइट में एक साथ पहुंचे हैं। नीतीश कुमार एनडीए के मीटिंग में शामिल होंगे और वहीं तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन में, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने किसी भी पार्टी को जीत की बधाई नहीं दी। क्या मैसेज जा रहा है इन दोनों एक साथ एक ही फ्लाइट में दिल्ली तक पहुंचते हैं और नीतीश कुमार का अब तक किसी को बधाई न देना, क्या मैसेज हो सकता है? देखो, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार्गेन कर रहे हैं, जो मुझे लगता है नीतीश कुमार क्या है, पहले भी नीतीश कुमार को अपने केवल क्षेत्र बिहार से उनको मतलब है, उनको बिहार के अलावा बाहर से उनको मतलब नहीं होता है। वो सबसे पहले तो नीतीश कुमार ये चाहेंगे एक बड़ा पैकेज, नीतीश कुमार एक बड़ा पैकेज बिहार के लिए चाहेंगे, वो पहले से एक अच्छी मिनिस्ट्री चाहेंगे। ये सारा सेटलमेंट करने के बाद ही नीतीश कुमार आगे कोई डिक्लेरेशन या स्पष्ट अपना जो रुख स्पष्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि उसमें अच्छी तरह बार्गेन कर सके। तो नीतीश कुमार का जिस तरीके का नेचर है, वो जिस तरीके का नेचर है उनका ये नेचर है कि वो इस तरीके से जो जब तक वो क्लियर नहीं कर लेंगे कि बिहार को हमें स्पेशल पैकेज की डिमांड, वो पहले करते रहे, अब भी कर रहे हैं, उनको एक स्पेशल पैकेज चाहिए, उनको एक अच्छी मिनिस्ट्री चाहिए, ये सारा सेटल करके ही वो आज जैसे चर्चा चल रही है। लेकिन उन्होंने बहुत एक अच्छा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एनडीए के पक्ष में ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत कुछ ऐसा है, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि हाँ मेरी वहां भी बात हो रही है। एक अभी सुबह से एक चल रही है खबर कि एक ही प्लान में तेजस्वी और नीतीश कुमार पटना से आ रहे हैं, तो 1.5 घंटे वो साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ बात होगी। चिरंजीव उनका जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान ने तो अपना एकदम क्लियर कर दिया स्टैंड उन्होंने और स्पष्ट बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उस तरीके की अभी बात नहीं करी है, क्योंकि वो जब पहले मोदी जी और अमित शाह से जब तक मीटिंग नहीं करेंगे, वो जब मीटिंग कर लेंगे वहां सब सारा अपना क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही वो कोई बात वहां पे डिसीजन कोई लेंगे जब उनका सारा सेटल हो जाएगा। इसलिए वो सारे ऑप्शन उन्होंने नीतीश कुमार ने खुले रखे हैं, जो मुझे लगता है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू अभी चुनाव जीते हैं, वहां पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने कुछ कमिटमेंट कराएंगे, उसमें वो कहेंगे कि हमें एक अच्छी मिनिस्ट्री चाहिए, वो चाहेंगे उनके प्रदेश के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल है, ये लोग अपने सबसे पहले अपने प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग करेंगे, और बिहार को पहले से विशेष पैकेज की मांग, विशेष राज्य का दर्जा, इन सबका उनका डिमांड चलती रही है। अब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नंबर है वो इस स्थिति में आ गए हैं कि उनको इन दोनों पार्टियों की ब्लैकमेलिंग को उनको हमेशा उनको झेलना पड़ेगा। 5 साल तक इनकी ब्लैकमेलिंग या कहिए या जो भी है उनको जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए इनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। जी शत्रुघ्न जी, अगर बात करें लोकसभा चुनाव के परिणामों की, तो सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला जो परिणाम है वो अयोध्या का है। अयोध्या जो कह सकते हैं कि बीजेपी का एक उपलब्धियों में एक बड़ा उपलब्धि राम मंदिर रहा है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को वहां से वोट ना मिलना, क्या स्थानीय प्रत्याशी से लोगों की नाराजगी थी या बीजेपी को लोग वहां पसंद नहीं कर रहे? वहां पे एक्चुअली जो सबसे बड़ी चीज क्या हुआ कि राम मंदिर को बने हुए टाइम हो गया था, जो अट्रैक्शन था, जो चीजें थी वो धीरे धीरे सेटल हो गई, वो जब सेटल डाउन हो गई, और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी ने वहां से अवधेश प्रसाद को जो टिकट दिया है, अवधेश प्रसाद एससी जाति से आते हैं, जो पासी बिरादरी होती है, जब पासी बिरादरी से आते हैं वहां पे 2 लाख पासी वोट है। अखिलेश यादव की ये हिम्मत कहिए या जो चाहिए कि जनरल सीट पे उन्होंने पासी बिरादरी के वहां के अपने विधायक को उतारा, और उसका असर ये देखने को मिला कि एससी सारा जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था, और विशेषकर जो पासी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, जाटव मायावती जी को वोट करता है, बहुजन समाज पार्टी को वोट करता है। लेकिन यहाँ पे ये स्थिति हुई जब उनका खुद का पासी बिरादरी का प्रत्याशी मैदान में आ गया, तो उन्होंने पासी बिरादरी की वजह से उन्होंने पूरा वोट जो है पासी, 2 लाख पासी है वहां पे, वो पासी बिरादरी ने पूरा खुल के अवधेश प्रसाद जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वोट कर दिया। इधर लल्लू सिंह से लोगों को नाराजगी भी थी, और थोड़ा सा 10 साल से वो सांसद थे, और लोगों ने उतना समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने ग्राउंड पे बहुत मेहनत करी, अपनी वोटिंग कराई, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रही। उनको जैसे लग रहा था कि अयोध्या सीट है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग तो जीत ही रहे हैं, वो सारी चीजों से
अयोध्या सीट निकल गई। आप सबसे बड़ा ताज्जुब तो आप ये देखिए कि हमें बनारस में महसूस होता है कि बनारस में आप बनारस जैसी सीट पे जहां पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं जो विश्व के सबसे पॉपुलर नेता माने जाते हैं वो वहां पे एक बार में पीछे हो गए थे। लगभग वहां पे कुछ ऐसे पोल खुले जहां पे जो समझिए वोटिंग का आप ट्रेंड उससे समझिए, कुछ पोल पे ऐसे वोट हुए जहां पे भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं मिला, मतलब वो मोहम्मदन के वोट टू पोल थे, कुछ ऐसी जो ज्यादा बूथ थे वहां पे ऐसे वोटिंग हुई कि वहां पे नरेंद्र मोदी 6000 वोटों से पीछे हो गए। तो आप इससे बड़ा ताज्जुब की बात देखिए कि वोटिंग का पैटर्न जो था बहुत ही एकदम टैक्टिकल पैटर्न इसमें वोटिंग हुई है। मुसलमान यादव और जो दूसरी जो जातियां समाती उन्होंने 100% पोल किया और उन्होंने बढ़ चल के भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस में लोग रहे और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग में जो जातिगत समीकरण थे वो सारे ध्वस्त हो गए और उन्होंने सारा इस तरीके से वोटिंग हुई है जो आप अयोध्या हो गया या इस अमेठी से स्मृति ईरानी हो गया, स्मृति ईरानी का भी हारना, स्मृति ईरानी ने अमेठी में बहुत काम कराया लेकिन वो भी चुनाव हार गई, उनका ये बहुत बड़ा ताज्जुब है, वो भी 10-5 हजार से नहीं होती 1 लाख से ऊपर वोटों से वहां से चुनाव अमेठी से चुनाव हारी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझिए कि लोगों ने एक मैसेज दिया है कि डेवलपमेंट यहाँ पे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट जो है पे जातवाद भारी पड़ा है, जातियां भारी पड़ गई हैं डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट जो है वो पीछे रह गया है और जाति आगे रह गई है। तो जिस तरीके से वोटिंग हुई है यहाँ जी, इसमें अगर एक फैक्टर ये देखें कि जो पूरा यूपी की बात करें तो जो चुनाव लड़ा गया है योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जो बीजेपी है उन कार्यकर्ताओं में या जो नेता है उनमें एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? क्या विधानसभा चुनाव आगामी योगी आदित्यनाथ के फेस पे लड़ेगी बीजेपी? इस तरीके से बदलाव भी क्या किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बदलाव करने की पूरी संभावना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जो सबसे बड़ी एक समस्या आ रही थी जो शिकायत कर रहे थे लोग, कार्यकर्ता कर रहे थे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी ही यहाँ पे सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि जिले का जो डीएम है एसएसपी है वो मिनिस्टर की बात नहीं मानते हैं, जिले के जो एसएसपी डीएम इवन जो है सीओ वगैरह लोकल विधायक की बात नहीं मानते हैं, लोकल नेता की बात नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है अपने आप को एक तरीके से ठगा सा महसूस कर रहा था, वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हमसे काम तो लिया जा रहा है, हमको हिंदुत्व पे राष्ट्रवाद की बात करके राम मंदिर की बात करके हमें काम तो लिया जा रहा है लेकिन हमसे कहीं ना कहीं जो है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको प्रतिनिधित्व उतना नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सारा जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सारा जो काम है जैसे कि मोदी और योगी जी की योजना है वो सारा का सारा डीएम को जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि आप अपने यहाँ जैसे विवाह कराने हैं जो इस तरीके से जो यहाँ पे सामूहिक विवाह का प्रोग्राम होता है तो डीएम की जिम्मेवारी है कि आज 101 का विवाह कराना है, 200 का विवाह कराना है और दूसरा ऐसे ही कि आपको अगर टॉयलेट वाले जो शौचालय का देने वाला है या और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है या राशन है वो सारे के सारा उनका एग्जीक्यूशन में सरकार लगी हुई थी, सरकार मतलब ब्यूरोक्रेट्स लगी हुई थी, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सरकार के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं था। तो कल का कार्यकर्ता को ऐसा लग रहा था कि वो सरकार से अलग है तो उसका असर देखने को मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जो परिणाम आए हैं इससे बड़ा फेरबदल होगा, ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, आईएएस आईपीएस की लिस्ट बन रही है और जहां तक आज या कल में ही एक बड़ा फेरबदल आईएएस आईपीएस को में होगा और दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग जो वो है ट्रेंडिंग है वो उसमें चेंज होगा, उनको अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो चुनाव आने वाला है 2027 में, तो 27 में अगर यही सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने आगे अप्लाई कर दी तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देना खाना पड़ सकता है अगर उन्होंने अपनी वर्किंग जो टेंडेंसी है वर्किंग ट्रेंड जो है उसमें अगर उन्होंने चेंज नहीं किया जो वर्किंग स्टाइल है, क्योंकि वहां पे नेताओं को सब जगह जीरो कर दिया गया है, अधिकारी सारे काम कर रहे हैं, नेताओं को आपको सरकारी योजनाओं में शामिल नहीं किया जा रहा है, सरकार की योजनाएं हैं तो कार्यकर्ता दूर बैठा हुआ है, उनको सब की सारे काम वीडियो कर रहे हैं, सारा वीडियो कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, एसएसपी कर रहे हैं, तो अगर सरकार की कोई योजना है अगर वो एग्जीक्यूट हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है लोकल नेता लोकल कार्यकर्ता इन्वॉल्व होने चाहिए, उनको इन्वॉल्व करके काम कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि इनका कार्यकर्ता धीरे धीरे 10 साल में बिल्कुल निष्क्रिय सा हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बढ़ चल के वोट नहीं निकाले, वोट निकले नहीं, लोग ज्यादा वो नहीं थे कि हमें बहुत वो सोच रहे हैं जीत जाएंगे मोदी जी की सरकार बन जाएगी, तो परसेंटेज जो डाउन हुआ है उसकी वजह, तो निश्चित रूप से
संगठन में भी परिवर्तन होगा, अभूतपूर्व परिवर्तन यहाँ पे संगठन में होगा और ब्यूरोक्रेसी में बड़ा परिवर्तन आपको एक दो दिन में ही लिस्ट आने वाली है। आईएएस आईपीएस पीसीएस इनका सबका जो है पीपीएस की लिस्ट चेंज होने वाली है, क्योंकि मोदी का जो है, लेकिन योगी जी का जो इस तरीके से वो है, उन्होंने बड़ा चिंता का विषय है, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और मुझे लगता है कुछ चीजें हो रही हैं जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। जी शत्रुघ्न जी, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।